لیکن حزب مومن درائی اور بیاک اک یہن بیاک ازواج درائی درواز کلو تیمو کرا سلام علیکم یہ بات اندر اسیو تو چھو تھیکی میں چاہے چھے یہ تریش یہ بات پتہ تو چھو کام اگر یہ گڑے وانن نہ کچھ فلاں سن باب سب خبر یہ مما کرن جس زین کی من خدمت کی اس مومن اپ ایک بیٹر ہیومن بینگ بنتے ہیں آئی بیلیو کہ جیسے میں کل تھی ویسے میں آج بھی ہوں بیٹر پرسن سو لیٹس ٹرائی وہ چیز کرنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھے اس چیز کے لیے ہم آگے بڑھے ٹھیک ہے نا उससे सप्रेस हो जाता है बट हमें क्या करना है हमें जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि खुद को प्रूव करना है और बहुत तरीके से बहुत सलीके से प्रूव करना है कि हम में टैलेंट है हम में हुनर है और इज्जत से सब कुछ करना है आखिर मर्दस छुपान में जाते हैं पर मर्दस छुपान आज वही छुपान आज सुशु ने समझन कि ना बाले छु क्या है कि येतन गारन में येतन जायन छुट्टू तो हालत गमतन मशो तो तुम जाहे सनान छ तिम छ बेस सोशल सोय सोय छ सोय सोसाइटी ये है छ सोय सोसाइटी ये मै छ सोय घर ये मन मन ऑक्स टी छ मन केनस गसान त दह पर छ ऐसे पान काम करे जा छ कर तो है क्या है तो छु बेसस पे ओ छ न बुचस गसान बुगा बेठ त तक कुर मगर यत म छ कजा चीज स्थिति अगर इस कात करनस पर बेमो के एक जनान हिंद रोल छ क्या त एक मर्द सुन रोल छ क्या सू घर कामयाब यस तम अगर बह बनकनत आटो अभी आज बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं और सीखने को भी मिली हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल वुमेंस डे क्रिएट हुआ है बट पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि जो एक वुमेन होती है वुमेन को वुमेनहुड एंड आई थिंक इवन मैन शुड सेलिब्रेट वुमेनहुड एवरी डे कोई एक दिन नहीं होना चाहिए बट ऑब्वियसली ये दिन इसलिए है याद करने के लिए कि किस तरह एक औरत ने कितना जुल्म सहा है बहुत ही काफ़ी पुरानी बात है तो उसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि औरत और मर्द एक प्रॉपर बैलेंस है सोसाइटी के लिए एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट हम स्पेशल हैं इन अ वे वो अल्लाह ताला ने ही हमें स्पेशल बना के भेजा है बट इस दुनिया में हम बिल्कुल सेम हैं इक्वल हैं जैसे मर्द लोग हैं वैसे औरत भी है एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू सेलिब्रेट वुमन कोऑर्डिनेटर चाइल्डलाइन श्रीनगर हेल्थ फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ और पिछले 20-25 सालों से काम करता आया हूँ और हेल्थ फाउंडेशन का सबसे पहले मतलब जब से इसकी बुनियाद पड़ी है तो सिर्फ इस गर्व से कि हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे काम करें और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ जो हमारी माएँ बहनें उनको सिर्फ रोज़गार दे देंगे बल्कि एम्पावर हम उनको यहाँ से करेंगे क्योंकि अगर हम देखेंगे जो नामसाइद हालात यहाँ से यहाँ हुए हैं तो उसमें अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो वो सिर्फ एक बच्चा और हमारी माँ बहन और हमने कोशिश की कि हम इन माँ बहन के लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये अपने जो दिल की पढ़ा से वो निकालें तो कैसे तो उनको हमने एक प्लेटफार्म यहाँ पे दे दिया वो इस प्लेटफार्म पे आती हैं एक दूसरे से बात करती हैं या तो सुनो कोशिश पटेल सुख सो वो सांसनावान क्योंकि इंसान तो तभी मुकम्मल है तभी तो हम उसको बाकी कामों में स्किल डेवलपमेंट दे सकते हैं जब वो यहाँ से एम्पावर हो और आज का दिन जो है ये अक्सर बेशतर हम इस घर से मनाते हैं ताकि इनको पता लगे कि हमारी अहमियत क्या है हम कहाँ पे हैं और आज हमारी इस मजलिस में डेली आफ्ताब की कार्टूनिस्ट राफिया रसूल जी हैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर रूबी जी हैं और ये महमीद सईद है जो वादी की जानी मानी हस्ती है और हमारी आशिया सलीम जी है और डीआईसी की जनरल मैनेजर केएस मिस हलीमा जी हैं तो गर्ल्स इनको ये दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं ये सनफ नाजुक नहीं है बल्कि सनफ आहन है।